हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज स्टार्ट होने वाली है 26 सितंबर से। उसमें हमें काफी सारे मोबाइल फोन, काफी सारी डील्स देखने को मिलेंगी और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी डील्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें से काफी सारी मेरी पर्सनली फेवरेट है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके लिस्ट निकाली है, तो प्लीज इसको जरूर से चेक करना, हो सकता है आपका थोड़ा फायदा हो जाए मेरी वजह से। सो बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में मैंने जो सबसे पहला स्मार्टफोन रखा है वो है मोटोरोला का H50 फ्यूजन। आप में से भी काफी लोगों का फेवरेट होगा। इसमें दो वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं, 8128 और 12256। 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिलता है। रियर साइड में 50+13 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है और फ्रंट साइड पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 5000 mAh की इसमें बैटरी मिलती है। 7S Gen 2 प्रोसेसर के साथ आता है जो काफी अच्छा प्रोसेसर है और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें IP68 की रेटिंग भी हमें देखने को मिलती है। पर्सनली ये तो मेरा काफी ज्यादा फेवरेट है, आप इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो। ये हमें पड़ेगा कार डिस्काउंट के साथ में 19999 का, जो कि काफी अच्छी डील रहने वाली है। नेक्स्ट जो हमारा स्मार्टफोन है एज 50 फ्यूजन का बड़ा भाई है मोटोरोला का एज 50 प्रो। इसमें 125 वॉट का चार्जर हमें देखने को मिलता है। चार्जिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। बैक साइड में हमें इसमें 3 कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और इसकी पिक्चर और वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। 50 मेगापिक्सल का हमें इसमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। 4K 30 फ्रेम पर सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। 4500 mAh की बैटरी के साथ आता है और 7 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी IP68 की रेटिंग के साथ आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये फोन पड़ेगा हमें कार डिस्काउंट के साथ में 27999 के आसपास, जो कि एक बहुत अच्छी डील रहने वाली है। ये वाला फोन एक फ्लैगशिप की कैटेगरी में आता है थोड़ा थोड़ा। अगर आप सैमसंग के फैन हो तो सैमसंग के S23 को भी आप कंसिडर कर सकते हो। 8GB 256GB वेरियंट के साथ आता है स्मार्टफोन। 6.1 इंच का फुल HD प्लस पैनल हमें इसमें देखने को मिलता है। रियर में 3 कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, क्योंकि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा 12 मेगापिक्सल का और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस हमें इसमें देखने को मिलता है, जिसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और ये 3900 mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें काफी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, और ब्रांड तो ब्रांड ही होता है, सैमसंग होता है। इस लिस्ट के अंदर मैंने जो नेक्स्ट स्मार्टफोन को रखा है वो रखा है वीवो का T3 अल्ट्रा, जो कि एक मिड रेंज का स्मार्टफोन है पर काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। 30,000 से कम प्राइस में हमें देखने को मिलेगा, 27-28 के आसपास। ये काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9200 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी तगड़ा है, जो कि स्कोर करता है 1.6 मिलियन के आसपास। बैक साइड में 3 कैमरा का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो कि सोनी का सेंसर है IMX921, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा के साथ आता है। फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, जो कि काफी तगड़ा है। फोटोज वीडियोस की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। 4K 60 फ्रेम पर सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी IP68 की रेटिंग के साथ आता है। 5500 mAh की बैटरी के साथ आएगा। बाकी स्पेक्स आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर लेना, मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, पर ये स्मार्टफोन काफी तगड़ा है, आप जरूर से चेकआउट करना। पहले जो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन आते थे, मतलब छोटी स्क्रीन वाले, मीडियम स्क्रीन वाले, वो काफी ज्यादा प्राइस में आते थे, पर इस बार मोटो ने लॉन्च किया है एज 50 नियो, जो कि काफी हैंडी स्मार्टफोन है कम प्राइस रेंज के अंदर। ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 24,000 का और IP68 के साथ आता है। मिलिट्री ग्रेड की प्रोटेक्शन भी है इसमें, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, सोनी वाला कैमरा है और 5 साल के अपग्रेड मोटो की तरफ से बताए गए हैं। बैक साइड में वीगन लेदर का फिनिश देखने को मिलता है और 68 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ में 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। ये 24,000 का है फिलहाल, पर इसमें कुछ और डिस्काउंट देखने को मिलेगा और ये 21-22,000 के आसपास मिलेगा, तो आप इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो अगर आपको छोटा स्मार्टफोन चाहिए तो। इस लिस्ट में मैंने एक रियलमी के फोन को भी ऐड करा हुआ है, जिसका नाम है P2 Pro 5G, जो कि काफी सही फोन है। ये 20,000 के अंदर देखने को मिलेगा, 19999 का, 80 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है और स्नैपड्रैगन का चिपसेट हमें इसमें देखने को मिलता है। AI स्मार्ट रिमूवल भी देखने को मिलता है, जिससे हम छोटी मोटी चीजें रिमूव कर सकते हैं। 5200 mAh की बैटरी के साथ आता है। गेम के लिए एक स्पेशल तगड़ा मोड डाल के रखा है, GT मोड। अगर आप Realme के यूजर हो तो आपको पता ही होगा। Sony LYT 600 का हमें इसमें कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जो कि OIS को भी सपोर्ट करता है। आप इसको जरूर से जाके चेकआउट करना, अगर पसंद आया तो ले भी सकते हैं। और अगर आपको लाइटे वाइटे पसंद है तो आप नथिंग की तरफ ही जा सकते हो। नथिंग का 2A और 2A प्लस आप ले सकते हो, और आपका बजट अगर थोड़ा सा कम है तो CMF Phone 1 भी आप कंसीडर कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा फोन है। अगर आपको अंडर 15,000 फोन लेना है तो सैमसंग वगैरह की तरफ मत जाना, वो लैग करते हैं थोड़ा। आपको 15,000 से नीचे कोई फोन चाहिए तो रेडमी, रियलमी, ओप्पो, इनकी तरफ जा सकते हो।
एक काफी कम प्राइस में काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन देते हैं। टेक्नो और इन्फिनिक्स के फोन भी काफी अच्छे हैं, पर इनके सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी दिक्कत है, अपग्रेड थोड़ा स्लो आते हैं, लेट आते हैं। अगर आपको एक फ्लैगशिप फोन चाहिए 30,000 से ज्यादा या 40,000 से ज्यादा के प्राइस में, तो ट्राई करना कि आप एक ब्रांड का फोन लो, जैसे कि सैमसंग का या आईफोन। बाकी आपको कैसी लगी मेरी छोटी सी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कल की वीडियो में मैं कुछ और आपको डील्स बताने वाला हूँ जो कि फोन से अलग रहेगी, कुछ पावर बैंक, कुछ ऐसी ऐसी मस्त मस्त आइटम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।